मीडिया चैनल्स नूं हुण एक बार संभल जाण दी लोड़ है। मीडिया चैनल्स टीवी न्यूज़ चैनल्स जिहड़े खबरां चलाउंदे ने उन्हां नूं हुण समझण दी लोड़ है। उन्हां नूं हुण भी चौकन्ने रहण दी लोड़ है। एक गलत खबर, एक इहो जी खबर जिहड़ी नफरत फैलाए ते उस तों बाद कारवाई तेज़ कर दित्ती जाएगी। हुण तक इह कानून सी कि जे नफरत फैलाउण वालीआं खबरां कोई टीवी चैनल पेश कर रहा, गलत खबरां पेश कर रहा, किसी का जान बुझ के किसी नूं डीफेम करन दी कोशिश कर रहा या किसी के खिलाफ जान बुझ के ही बहुत ज़्यादा वधा चढ़ा के दस रहा जो कि हरगिज गलत है, जो कि नफरती प्रचार दे विच तब्दील हुंदा है, उस टीवी चैनल के खिलाफ 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगता है। पर हुण ये गाइडलाइन भी बदल दी जाएगी, जल्द ही इस गाइडलाइन बदल दिता जाएगा और आने वाले समय के हुण वड्डे पद्धर उत्ते बदलाव देखने मिल सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स टीवी चैनल्स हुण बगैर सोचे समझे कुछ भी नहीं चला सकते, सख्ती तेज़ कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट वालों ऑर्डर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ वालों ऑर्डर जिहड़ा है वह पेश किया जा सकता है। जानकारी मुताबिक एक ट्विटर पेज है जिसका नाम लॉ टूडे हैगा, उस ट्विटर पेज के उत्ते एक पोस्ट पाई जाती है लगभग 2 दिन पहला और उस पोस्ट के जिक्र होंदा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ का और उन्होंने नाँ के उत्ते यह पोस्ट पाई गई है कि DY चंद्रचूड़ का यह साफ कहना है कि सिर्फ इन्ना ही काफ़ी नहीं है, हुण सगों जिहड़ा फाइन लगेगा वह 1,00,000 रुपया नहीं सगों प्रॉफिट के हिसाब न लगेगा। जिन्ना प्रॉफिट एड्स के जरिए जिन्ना भी प्रॉफिट कमाया होएगा एक चैनल ने उन्हां एड्स के जरिए कमाए गए प्रॉफिट्स के हिसाब के नाल जिहड़ा हुण जुर्माना लगेगा, जुर्माना उस हिसाब न लगेगा। 1,00,000 रुपए दे के ये ना समझो कि असी बच जावांगे, 1,00,000 रुपया दे के मामला खत्म हो जाएगा, मामला दब दिता जाएगा, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। हुण कार्रवाई तेज़ होगी, हुण कार्रवाई संगीन होगी, हुण फाइन लगेगा उस तरह जिस तरह थोड़े प्रॉफिट्स ने, जिस तरह थोड़े प्रॉफिट्स के आउटकम्स है उस दे आधार के उत्ते हुण फाइन लगेगा और हुण शायद ध्यान दे नाल खबरां करनियां पैणगियां क्योंकि मोटी रकम फाइन दे विच ही जब चल जाएगी तो उस तो बाद पिछे की बचेगा, इस आधार के उत्ते हुण सोच समझ के तुरंत की लोड़ है। दूजे पासे जे इस मामले की गल करिए खास करके गोदी मीडिया के उत्ते निशाना साध्या, इस पोस्ट के उत्ते जे आप गल करिए, इस DY चंद्रचूड़ की पोस्ट के उत्ते जे गल करिए हवाला दिता गया सुशांत सिंह राजपूत का और उस मामले में लैके जिहो जिहियां खबरां गोदी मीडिया ने कीतियां ने सूत्रां मुताबिक उस चीज़ का हवाला लिया गया और उस दे खिलाफ गल की गई है। गोदी मीडिया सेंटर लैवल दे उत्ते देश भर दे विच ऑपरेट कर रहा है ते गोदी मीडिया जिहो जिहियां खबरां फैलाउंदा है उस नूं लैके विवाद भखिया ही रहिंदा है। कई इहो जिहे चैनल्स ने जिहड़े केंद्र सरकार दे बड़े करीबी दसे जांदे ने, कई इहो जिहे पत्रकार ने जिहड़े केंद्र सरकार दे बड़े करीबी दसे जांदे ने, पर हुण उन्हां नूं भी सतर्क रहिण दी लोड़ हैगी है क्योंकि एक विशेष निगरान बनी रहेगी, एक विशेष निगरानी बनी रहेगी हर इस व्यक्ति दे उत्ते जिहड़ा TV चैनल्स चला रहा है, जिहड़ा कि न्यूज़ चैनल्स चला रहा है, जिहड़ा कि ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग दे विच हैगा और इस मामले नूं लैके शायद आने वाले समय दे विच किसी तरह का कानून जल्द ही लागू कर दिता जाए। वैसे तो जिहड़ी पोस्ट है यही दर्शाती है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ नूं 1,00,000 वाला सिस्टम बिल्कुल भी जचया नहीं है तो इस 1,00,000 वाले सिस्टम तो अलहदा हो के ये तजवीज़ की गई है कि जिन्ना प्रॉफिट हुंदा उस प्रॉफिट दे विचों फाइन लगाया जाए क्योंकि असल तो प्रॉफिट है जिहड़ा एक TV चैनल कमा रहा है, जिहड़ा एड्स के जरिए एक TV चैनल एक वैब चैनल कमा रहा है उस प्रॉफिट के जरिए फाइन लाया जाए नफरत फैलाउण वाले TV चैनल के उत्ते और खास करके कथित तौर पर गोदी मीडिया दसे जाने वाले मीडिया के उत्ते तंज कसे गए हैं। खैर की कुछ होंगे आने वाले समय के देखना होगा, तुम बने रहो 1 इंडिया पंजाबी। सब्सक्राइब टू 1 इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।